नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मेरे चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से एक ही कंप्यूटर पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से ज़्यादा विंडोज़ को आप कैसे चला सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है VMware। ये VMware आपको इंटरनेट से बड़ी आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो मैं इससे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर इसको येस करना है। तो देखिए, ये मेरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे क्लिक नेक्स्ट, लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट और कंटिन्यू कर देना सेटअप को। तो ये मेरी इंस्टॉलेशन जो है हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो देखिए, स्क्रीन के ऊपर मेरा ये बीएम प्लेयर नाम का आइकन आ गया हुआ है। तो ये थोड़ी सी इंस्टॉलेशन अभी प्रोसेसिंग में चल रही है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट करना पड़ेगा। तो नाउ ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इससे मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा देखिए वर्चुअल बॉक्स, अब मुझे इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक मशीन क्रिएट करनी है। क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से बना के रखी है तो आपको यहाँ पर ओपन करना है। तो यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है। अगर आप सीडी से इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने सीडी ड्राइव पे सीडी डालिए। अगर आपके पास विंडो की सीडी पड़ी है तो मैं यहाँ पे आईएसओ से डाउनलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आईएसओ इमेज बना के रखी है। तो मैं यहाँ पे आज आपको विंडो 7 की इंस्टॉलेशन करके बताता हूँ। तो ये मेरे पास 7 ऑलरेडी पड़ी है। तो मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है। और मुझे ब्राउज पर जाके जो है, यहाँ पर मैंने आईएसओ इमेज रखी है, उसे यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर मैं 7 डालने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने विंडोज 7 की इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। अगर आप सीडी से डालना चाहते हो तो यहाँ पे सीडी सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप इसको बाद में करना चाहते हो तो आप इसे जो भी है लेटर कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद। अब मुझे ये करने के बाद इसे नेक्स्ट करना है। यहाँ पर जो भी मेरे पास प्रोडक्ट की है वो आप डाल सकते हैं विंडोज 7 की। अभी मैं नहीं डालना चाहता। अगर पासवर्ड डालना चाहते तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। ये देखिए, आपको पूछता है कि आप विदाउट उससे डाल करना चाहते हैं, तो यस। तो ये मेरा विंडोज मशीन का नाम आ गया है। यहाँ पे पाथ भी बता दिया है कि आप कहाँ पे, ये लोकेशन आपकी वो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी विंडोज स्टोर होने जा रही है, क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे आपको मैक्सिमम साइज पूछता है, जहाँ पे आपकी डिस्क कैपेबिलिटी आपकी यहाँ पे 60 GB कर दी है। यहाँ पे मैं इसको 10 GB कर देता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया रिकमेंडेड 7.60 GB किया, तो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश कर दिया। तो ये मेरी वर्चुअल जो है डिस्क क्रिएट हो रही है। तो जब तक ये डिस्क क्रिएट होती है, मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी डिस्क क्रिएशन जो कंप्लीट होने जा रही है, इसको कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे फिनिश होने के बाद जो बूट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मेरी जो मशीन है बूट हो रही है और ये इंस्टॉल जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए सर्च कर रहा है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। देखिए, ये मेरी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी विंडो जो है इंस्टॉलेशन नाउ, यहाँ पे आइकन आ चुका है इंस्टॉलेशन का। ओके, सेटअप जो है स्टार्ट हो चुका है। ऐसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। दोस्तों, ये देखिए मेरी फाइलें विंडो की जो कॉपी होने शुरू हो गई हैं। सबसे पहले फाइल कॉपी होगी, उसके बाद फाइलें जो मेरी एक्सटेंड होगी, उसके बाद सिस्टम मेरा रिस्टार्ट होगा। अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है विंडो इंस्टॉलेशन में।
तो कंप्लीट प्रोसेस होगा इस पे, जैसे आपकी विंडोज इंस्टॉल होती है वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे दोहराया जाएगा। तो ये मेरी फर्स्ट प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, फाइलें एक्सटेंडेड हो रही हैं, इसे 100% होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फाइल एक्सटेंडेड होना शुरू हो गई है, अब ये 1% है, अब इसे 100% होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपकी सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका लेटेस्ट सिस्टम है तभी आपका ये ऑपरेशन काम होगा, तभी आपकी ये एक सिस्टम में बहुत सारे विंडो डाल सकते हैं, ये मशीन काम करेगी। तो आपकी रैम हार्ड डिस्क जो है कम से कम 2 GB से ज़्यादा होनी चाहिए और लेटेस्ट सिस्टम होना चाहिए। तो ये 54 55 हो गया है, इसके अलावा 56 थोड़ा टाइम लग रहा है। नाउ 75% कंप्लीटिंग, वेट फॉर 177। नाउ इट्स 81%, 82, नाउ 87, 88, वेट फॉर 100, 19, नाउ 97 इज कंप्लीटेड एंड वेट फॉर 100, 98, 99 एंड वेट फॉर 100, 100, 100, नाउ द एक्सपेंडिंग फाइल इज फिनिश्ड। इंस्टॉलेशन फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, अपडेट इज कंप्लीटेड, द सिस्टम गोज टू रीस्टार्ट एंड देन एंड द आफ्टर रीस्टार्ट द प्रोसेस इज दैट विंडो इज स्टार्टिंग। नाउ योर विंडो इज रेडी, सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्टर सेटिंग्स, सेटअप स्टार्टिंग सर्विसेज एंड द फाइनल इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों ये मेरी कंप्लीटिंग हो गई है, अब यहाँ पे मेरा सिस्टम रिस्टार्ट होने के लिए पूछ रहा है। तो ये देखिए रिस्टार्ट होने के बाद मेरा सिस्टम इस तरीके से बूट हो रहा है। ओ विंडो इज रेडी टू यूज, ओके, रेडी होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपेयर हो रही है सेटिंग्स, तो फर्स्ट यूज के लिए इसको प्रिपेयर किया जा रहा है, वीडियो परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिवेशन चेक किया जा रहा है, ये वैसे सेटअप आता है स्क्रीन के ऊपर एक्टिवेशंस के लिए। देखिए ये मेरे विंडो एक्टिवेट हो गई है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट के देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरी विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ वो एक्टिवेट हो गई है। तो ये मेरे विंडो एक्टिवेशंस के बाद इस तरीके से सेटअप चल रहा है। तो आफ्टर दैट फिर से सिस्टम जो है रिस्टार्ट हुआ है। तो नाउ आप देख सकते हैं,
यहाँ पे देखिए वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। हमारा डेस्कटॉप वो प्रिपेयर हो रहा है। नाउ एंजॉइंग द विंडो फीचर्स, मुझे इससे और फीचर अब देख सकते हैं। तो मेरी विंडो यहाँ पे रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन आ चुकी है। आप चाहे तो इसे मिनिमाइज करके दूसरी विंडो चला सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में एक ये विंडो चला रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए मिनिमाइज करके आप ये यहाँ पे काम कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स जो है मेरी इसमें आ चुकी है। अगर आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप इसे अच्छे से बढ़िया से रन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने टोटल यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी मैं इसको रीस्टार्ट कर देता, डन कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ। ये देखिए लॉग ऑफ कर दिया। दोस्तों आप यहाँ पे इस तरीके से एक के साथ बहुत सारी विंडोज़ चला सकते हैं, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे देखा। तो ये थी विंडोज़ 7 की, जिस पे मैंने यूज़ किया गया था ये सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स वीएमवेयर बॉक्स जो है। तो आप इसका यूज़ करके एक साथ बहुत सारी विंडोज़ चला सकते हैं। अगर आपको फिर से इसे रन करना है तो सेम आपको वर्चुअल बॉक्स यूज़ करना है, ऑन करना है। और करने के बाद देखिए आपकी यहाँ पे विंडो आ चुकी है। आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसके क्लिक करने के बाद प्ले मशीन कर सकते हैं, या तो यहाँ पे प्ले बटन दिया होता है। ये देखिए हमारी विंडो फिर से स्टार्ट हो चुकी है। ओके, ये मेरी मशीन स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद देखिए इस तरीके से विंडो मेरी फिर से स्टार्ट। ओके, तो एंजॉय कीजिए दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ आपका संजीव और आप देख रहे थे मेरे चैनल डांस टॉपिक पर। तो थैंक यू।